Hello everyone, welcome to your own gardening channel. Today I am here with a very beautiful white flowering plant which is called Lady Banks or Rosa Banksiae or simply white rosa shrub, white rosa vine, and it is native to China. और अगर इसको अच्छी हैबिटेट मिले तो ये ऑलमोस्ट जो है ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 12 टू 25 फीट तक ये लॉन्ग हो सकती है, ग्रो कर सकती है. तो इसके लिए ये जो है सॉइल मिक्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है ये किसी भी किस्म की जो सॉइल मिक्स है उसमें ये सर्वाइव कर जाता है, ग्रो कर जाता है. लेकिन इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल चाहिए इसको. और इसको स्प्रिंग टू समर बड़े प्यारे वाइट कलर के जो हैं वो रोज़ फ्लावर जो हैं वो ब्लूम करता है ये उनके साथ. और जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं अभी इनके जो हैं वो बर्ड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई हैं. तो ये समर तक जो हैं ये फ्लावर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे. तो मैं भी इनके आपको सारे जो ब्लूम्स जो हैं वो भी दिखाऊंगा. और अभी जो इसके जो बर्ड फॉर्मेशन हो रही हैं वो भी आपको दिखाऊंगा. तो ये जब ये फुली ब्लूम कर रहा होता है तो ये बिल्कुल एक वाइट किस्म का जो वो है पैटर्न जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ये पूरा वाइट हो जाते हैं. तो आप इसको इजीली घर पे ग्रो कर सकते हैं. ये मैंने ऑलमोस्ट जो है ये कोई 3 इयर्स बैक मैंने इसको जो है वो प्लांट किया था. तो ये भी काफ़ी दफ़ा प्रून होने के बाद भी ये अच्छी खासी ग्रोथ है इसकी. तो अभी मैं आपको इसके इसका ट्रंक और इसके जो ब्लूम्स हैं वो दिखाता हूँ. जी व्यूअर्स, ये लेडी बैंक्सिया जो है ये उसके ट्रंक है, ये ग्राउंड में लगा हुआ है और ये वॉल के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुली मैच्योर जो है उसका ट्रंक जो है ये जा रहा और ये उसके ऊपर वॉल के ऊपर और बाकी ये सारी वॉल के ऊपर जो है वो स्प्रेड की हुई है. ये इसका ट्रंक है और ये वॉल के ऊपर. जी व्यूअर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ट्रंक के साथ लेडी बैंक्स जो है इसके ट्रंक के साथ यहाँ पे एक जो और एक शूट जो है वो डेवलप हो रही है. ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ फुल स्पाइक्स हैं और ये एक जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो ये इसको वाइल्ड श्रब में कन्वर्ट कर देगी. तो आप इसको हमेशा यहाँ से इसको जब भी ये डेवलप हों आपके किसी भी रोज़ेस प्लांट के साथ तो आप इनको हमेशा रिमूव कर दें, इनको कट ऑफ कर दें, क्योंकि ये आपके प्लांट को जो है वो वाइल्ड बना देगा. और ये बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, तो जो आपके जो ब्लूमिंग है ये उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं और आपके जो प्लांट है उसको भी इफ़ेक्ट करती है. तो आप इसको क्या करें कि प्रूनर ले लें और इसको काट दें. जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने इसको रिमूव कर दिया. तो ये आपके जो प्लांट हैं स्पेशली रोज़ेस प्लांट जो हैं ये उनके साथ ये सकर्स जो हैं ये डेवलप होते हैं,
तो आप इनको रिमूव कर दें। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की जो है वो ग्रोथ वह अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप लेडी बैंक्स जो है उसको फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको जो नाइट्रोजन से मिच्योर जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसको दे सकते हैं, जो इसके फॉलेज के लिए और इसके ब्लूमिंग के लिए अच्छी है। और इसके अलावा आप सिंपली इसको काउडंग जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि ये किस तरह पूरी वॉल के ऊपर जो है ये स्प्रेड हो चुकी हुई है। अब मैंने इसको लास्ट ईयर भी प्रून किया था, उससे भी लास्ट ईयर प्रून हो चुकी है, यानी कि टू टाइम्स प्रूनिंग के बावजूद भी अच्छी खासी ग्रोथ है। और प्रूनिंग जो है ये आपके जो फ्लावरिंग जो है उसको इन्हेंस कर देती है, आपके फ्लावर्स जो हैं वो आपके ब्लूम्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो प्रूनिंग जो है वो इसके लिए लाजमी है। और ये फुल सन लवर प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी ये सूरज के अंदर है, सन जो है उसके लिए लाजमी है, 7 to 8 hours जो है उसको सन जो है वो मिलना ज़रूरी है, जैसे कि दूसरे रोज़ेस के साथ होता है। तो इसके जो स्प्रिंग में जो फ्लावर्स आएंगे वो एक फ्लावर जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी ब्लूमिंग जो है तो वाइट कलर के उसको फ्लावर्स आएंगे जो समर तक रहेंगे, उसके बाद ये एंड हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्लूम करेगा दोबारा से। अभी सिर्फ एक फ्लावर डेवलप हुआ है, अभी ये काफ़ी सारे जो फ्लावर्स हैं वो जब ये सारे निकल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसके जिस तरह आप देख रहे हैं इसकी फॉलेज जो है वो डार्क ग्रीन होती है और ये प्रूनिंग के स्कार्स। जी व्यूअर्स, लेडी बैंक्स जो है उसकी ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, बर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और फ्लावर पॉट्स जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 3 to 4 days गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं उसकी ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। Hello viewers, after a week time you can see the blooming of Lady Banksiae behind me. What a great blooming!
और इस वक्त जो इसकी फ्रेगनेंस है, काश आप लोग भी जो है वो इसको फील कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कि आप लेडी बैंक्स ये जो है उसकी वाइन जो है वो अपने घर में प्लांट करें और इसकी ब्लूमिंग जो है उसको एंजॉय करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।